हेलो दोस्तों, मैं केशव चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिपति क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम साथ में मिलकर तुम्हारा जो बैनर एक टॉपिक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आपकी एक वीडियो कंप्लीट पहले हो चुकी है। और मैंने आपको बैनर में बताया था कि इसमें तीन टाइप होते हैं, और कुछ मैंने आपको थोड़ी उसकी मजबूती समझाई थी, जिसमें पहला टाइप आपका कंटिन्यू चल रहा है, और जिसमें पहला जो मैंने बताया था आपको, एक तो ऑल बताया था, एक सम बताया था, एक नो बताया था। तीन कॉन्सेप्ट बताया गया कि ऑल क्या होता है, सम क्या होता है और नो क्या होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया था ऑल, और दूसरा समझाया था मैंने सम, और तीसरा कॉन्सेप्ट था आपका नो। तो ऑल क्या था, मतलब सभी, और ये कुछ, और इसमें कोई नहीं। तो ऑल में क्या था आपका, जैसे सभी एक्स वाई हैं, सभी एक्स वाई हैं, और सम में क्या था आपका कि कुछ कोई भी कोई कुछ एक्स वाई हैं, और नो में क्या था, कोई भी एक्स वाई नहीं है। तो इसमें दो तरह तीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए थे उस दिन, और कुछ क्वेश्चन चल रहे थे आगे आपके, तो जिसमें मैंने आपको तीन क्वेश्चन करा दिए थे उस दिन, तीन चार क्वेश्चन। तो उसी में मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ, तब बाद में देखते हैं। तो आप कुछ क्वेश्चन करिए। फर्स्ट नंबर, महिलाएं पत्नियां, माताएं। नंबर दो, चाचा अमीर, और क्या लोगे आप, रिश्तेदार। रिश्तेदार। तीन नंबर क्वेश्चन में आप ये इसमें ले सकते हो, भाई बहन परिवार। नंबर चार इसमें ले सकते हो आप, अध्यापक इंजीनियर, और क्या लोगे आप इसमें, और ले लो विद्या, नहीं डॉक्टर ले लो आप, डॉक्टर। और क्वेश्चन नंबर पांच आपका, कुर्सी मेज, और इधर ले लो बस, कुर्सी मेज बस। ये आपके पांच क्वेश्चन हो गए हैं, और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आपका, और ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी आपका। तो इनमें से ये छांटना है आपको, और ये आपके पांच क्वेश्चन हैं करियर पांचों को। तो जैसे हो जाए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो पांचों का आंसर। तो करिए इन क्वेश्चनों को, जैसे जैसे आपके होते हैं आगे आंसर बता चलना आप।
ए बी या फर्स्ट पहले का ए या दूसरे का बी, ऐसे करके पांच क्वेश्चन है, पांचों के आंसर ये हैं सामने, मतलब तो जो ऑप्शन है आपको बताना है कि पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है। तो चलो हम देखते हैं, पहले का आंसर देखते हैं। तो ये आपकी महिला, इसमें पत्नी और ये माताएं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जितनी भी माता हैं वो सभी पत्नियां होंगी, और जितनी भी पत्नियां वो सभी क्या होंगी, महिला होंगी। तो उसमें हम बेनारे क्या बनाएंगे, पहले का बनेगा आपका ऑल बनेगा सभी, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ऑल का है, और इन दोनों के बीच में भी ऑल का, और इनके बीच में भी ऑल का, यानी कि ये तीनों संबंध आएंगे मैं ऑल का आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, चाचा अमीर रिश्तेदार, यानी कि तो मैं बोल सकता हूँ सभी चाचा कौन होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, और जिनमें कुछ अमीर होंगे कुछ गरीब होंगे। तो मतलब इन दोनों में तो ऑल का संबंध है, और इनमें क्या है, इनमें सम का है, सम सम। तो एक ऑल और दो सम किसमें है, ऑप्शन एक ऑल और दो सम, ये तो एक ऑल हो गया और ये दो सम हो गए, एक सम तो इसमें हो गया, एक सम हो गया इसमें, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको दूसरे में लिखूंगा मैं, ये तो हो गए चाचा, और ये सभी चाचा कौन, रिश्तेदार हैं, और इसमें से कुछ क्या है, अमीर हैं आपके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी, तो इसमें क्या होगा, सी होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भाई बहन और परिवार, भाई बहन परिवार, तो इसका कौन सा आंसर किया था आपने करेक्ट, भाई बहन और परिवार। तो भाई अलग होता है और बहन अलग होती है, और ये दोनों सदस्य किसके हैं, परिवार के दोनों सदस्य हैं। तो मैं ऑप्शन नंबर, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है इसका, ये भाई और ये बहन, जो मैंने आपको तीसरा कॉन्सेप्ट समझाया था नो वाला, एक्स और वाई इसमें किसी का कोई संबंध नहीं, पर ये दोनों कौन है, ये दोनों क्या है, परिवार के सदस्य हैं, परे परिवार। तो इसमें कौन सा होगा आपका, इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं है, तो इसमें क्या आरेख बनेगा इसका सही, ये बनेगा, भाई अलग बहन अलग, सदस्य दोनों किसके, परिवार के दोनों सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ इधर से। अध्यापक इंजीनियर और डॉक्टर, अध्यापक इंजीनियर और डॉक्टर डॉक्टर, तो क्या है आपका, ये जो इंजीनियर हैं कुछ तो अध्यापक हो सकते हैं इसमें, और कुछ हो सकते हैं डॉक्टर, सभी सभी की तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ ये जो अध्यापक हैं वो कभी क्या नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, पर जो इंजीनियर हैं हाँ वो कुछ अध्यापक भी हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा डी। दोबारा देखिए इसे, ये अध्यापक इंजीनियर और ये डॉक्टर, तो मैं बोल सकता हूँ कि कुछ इंजीनियर अध्यापक हैं, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, पर मैं ये नहीं बोल सकता कि कुछ डॉक्टर अध्यापक हैं, भाई जो डॉक्टर हैं वो तो सदा डॉक्टर ही रहेंगे, और जो अध्यापक हैं वो अध्यापक रहेंगे, पर हाँ इतना हो सकता है कि जो इंजीनियर हैं वो डॉक्टर बन सकते हैं, जो इंजीनियर है वो अध्यापक बन सकते हैं, क्योंकि अध्यापक के लिए वो डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ अध्यापक कोई बन सकता है, जो पढ़ा सकता है वो अध्यापक है, जो खेल सकता है वो प्लेयर है, जो गा सकता है वो सिंगर है। तो ऐसे इसमें इंजीनियर जो है कुछ अध्यापक हो सकते हैं, और इंजीनियर कुछ भी डॉक्टर हो सकते हैं, हो सकता है पहला प्रोफेशन उनका इंजीनियर रहा हो, इंजीनियरिंग छोड़कर डॉक्टर कर लिया हो। तो इस क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसमें, और क्वेश्चन नंबर वन में आपकी बहुत कन्फ्यूजन होती है, जैसे क्वेश्चन नंबर वन क्या थी, महिलाएं पत्नियां और माताएं, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि जो सभी महिलाएं वो माताएं हैं, सभी महिलाएं माताएं हैं, पर मैं ये जरूर बोल सकता हूँ जो सभी माताएं हैं वो जरूरी है कि क्या होंगी, वो सभी महिला होंगी, और वो क्या थी, पत्नियां, यानी कि जितनी भी माताएं हैं वो किसी ना किसी की पत्नियां होंगी, पर जो जितनी भी पत्नियां हैं वो सभी क्या होंगी, महिला होंगी। तो इसका फिगर क्या बनेगा, ऑल वाला बनेगा। तो एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है।
तो समझ में आ गया होंगे कॉन्सेप्ट आपको पूरा पूरा। चलो आगे देखते हैं, आगे पांच नंबर क्वेश्चन है आपका, कुर्सी मेज और बस। कुर्सी मेज और बस, तो इसका क्या बनाया आप लोगों ने चेक करिए, कुर्सी मेज और बस। कुर्सी मेज और बस, तो मैं बताता हूँ आपको। अब आपको यहाँ पर ये संबंध नहीं लगाना कि कुर्सी भी लकड़ी की बनती है और मेज भी लकड़ी की बनती है, नहीं ऐसा कोई संबंध नहीं है। पर हाँ, ये जो कुर्सी और जो मेज जो बिल्कुल अलग है, बस भी अलग है, तो इसका फिगर क्या होगा, कुर्सी बस मेज, यानी तीनों अलग अलग होंगे। इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, तो यानी कि तीनों बिल्कुल अलग होंगे। कुर्सी अलग होगी आपकी, मेज अलग होगी और आपकी बस अलग होगी। देख लीजिए ने, तीनों चीज आपकी बिल्कुल ये अलग होंगी। पांचों क्वेश्चनों को देखिए और कोई भी दिक्कत आए तब मुझे बताना। चलो मैं आगे चलता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन पांच हो गए हैं आपके, तो जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, अभी टाइप वन चल रहा है आपका, टाइप वन। अभी इसमें आपकी एक वीडियो और हो जाएगी, आपकी तीन वीडियो में पूरा ये बैन आरेख कंप्लीट करा दूंगा मैं। तो एक वीडियो की आप तो ऑलरेडी हो चुकी है, वो आप सभी ने देख ही ली होगी। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स, लड़के इंजीनियर, लड़के इंजीनियर गायक क्वेश्चन नंबर सेवन में आपका शर्ट टाई पैंट, क्वेश्चन नंबर एट में आपका इधर ले लो लड़के खिलाड़ी और गायक, क्वेश्चन नंबर नाइन में आपका मंगल शुक्र और ग्रह, क्वेश्चन टेन है अनाज दाल गेहूं, अनाज दाल गेहूं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, और ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका, और ऑप्शन नंबर थर्ड, और ऑप्शन नंबर फोर्थ। करिए पांचों क्वेश्चनों करिए, और अपना सभी आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है उसका, जैसे बी या सी जो भी है आपका, ऐसे करके दें। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन के आगे ए या बी ऐसे करके लिखें, जिससे मैं चेक कर सकूं कितने के राइट हैं कितने के रॉन्ग हैं। करिए, तो चलिए आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स,
क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला लड़के इंजीनियर और गायक, यानी कि लड़के हैं इंजीनियर गायक हैं, तो इसमें क्या बोल सकता हूँ, ये तो आपके लड़के हो गए, इसमें तो कुछ क्या होंगे, इंजीनियर भी हो सकते हैं और इसमें से के जो इंजीनियर कुछ क्या हो सकते हैं, इसमें गायक भी हो सकते हैं, हो इनकी हॉबी हो कि वो गायक भी हो और क्या हो इंजीनियर भी हो, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, शर्ट टाई पैंट, शर्ट टाई पैंट। अब इसमें आप ये मत सोचना कि शर्ट के ऊपर टाई लगा लेते हैं और पैंट को अलग रखते हैं, तो बहुत से मेरे भाइयों ने ये बनाया होगा आपका कि सभी शर्ट टाई पैंट ही है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। शर्ट टाई पैंट ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं आपस में, क्योंकि शर्ट हमारी अलग है, टाई अलग है और हमारे पैंट बिल्कुल अलग है, तो इसका देंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देंगे शर्ट अलग टाई अलग पैंट अलग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है इसमें। ये जो है 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा आपका, बी होगा, शर्ट अलग होगी आपकी, पैंट अलग होगा, टाई भी अलग होगी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, लड़के खिलाड़ी और गायक, लड़के खिलाड़ी और गायक, करिए इसे, लड़के खिलाड़ी और गायक, लड़के खिलाड़ी और गायक। तो देखिए जो लड़के हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 8, ये लड़के हो गए आपके, हो सकता है कुछ लड़के खिलाड़ी हों, और हो सकता है जो लड़के खिलाड़ी हैं, मतलब जो खिलाड़ी हैं और कुछ इसमें गायक भी हों, कुछ इसमें खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं, गायक। तो इसका फिगर बनेगा ये आपका, देखना ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो मैंने बताया था आपको कि ये तो लड़के हो गए, हो सकता है कुछ लड़के इसमें खिलाड़ी भी हों, हो सकता है जो खिलाड़ी हैं वो और कुछ लड़के वो गायक भी हो सकते हैं, तो तीनों आपस में सम होंगे, जितने भी होंगे क्या होंगे, इन दोनों में क्या है, सम है भाई, कुछ लड़के खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी गायक भी हो सकते हैं, ये भी सम है, और कुछ लड़के गायक नहीं हो सकते, ये भी सम है, यानी कि जिस ऑप्शन में हमारे तीनों सम सम होंगे हम उसी को चूज करेंगे, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी, कौन सा होगा राइट आंसर, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप, मंगल शुक्र और ग्रह, मंगल शुक्र और ग्रह, तो क्या होगा इसमें, मंगल शुक्र और ग्रह, तो इसमें क्या है, देखो आपका मंगल तो बिल्कुल अलग है, शुक्र अलग है, पर ये दोनों क्या है, कि ग्रह हैं, तो क्या कर सकता हूं मैं इसमें, एक तो अलग हो जाएगा बिल्कुल, इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, पर और दो क्या हो जाएंगे, ऑल, यानी कि सभी मंगल मतलब ग्रह हैं और सभी शुक्र ग्रह हैं, तो इसमें क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये तो आपका मंगल हो गया और ये क्या होगा आपका, शुक्र, ये दोनों क्या हैं आपके, ग्रह हैं, देखिए इसे, मंगल शुक्र और ग्रह। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए सभी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और अपना अपना आंसर लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का, जो उसका भी आंसर आ रहा हो, ए बी या सी या डी, और क्वेश्चन नंबर 10, गेहूं दाल और अनाज, गेहूं दाल और अनाज, तो देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूं आगे, गेहूं दाल अनाज, ये दाल हो गई आपकी और ये क्या हो गया आपके, गेहूं, पर ये दोनों किस में आते हैं, अनाज में, किस में आते हैं दोनों, ये अनाज में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो अनाज में कौन कौन, अनाज में खाने योग्य सभी पदार्थ आते हैं, दाल कोई सी भी हो आपकी, गेहूं चावल जौ जो भी है, तो ये सब किस में आते हैं, अनाज में आते हैं, जितनी भी दाल हैं सभी अनाज हैं और जितने भी गेहूं हैं सभी अनाज हैं, तो इसमें एक ऑल हो जाएगा, यानी कि जो दाल और गेहूं, दाल और अनाज, इसमें किसका संबंध है, ऑल का है, और अनाज गेहूं में भी ऑल का है, और इसमें नो संबंध, इसमें कोई संबंध नहीं है, दाल से गेहूं का कोई संबंध नहीं है, तो एक इसमें नो संबंध है और दो क्या हैं, दो ऑल हैं,
फर्स्ट सेकंड ये दो वॉल है गए, ये दाल और गेहूं है, इसमें क्या है आपका संबंध? नो का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ए जो बिल्कुल है राइट है। देखिए इनको, तो मैं आगे चलता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ये देख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गए थे आपके, क्वेश्चन नंबर 11 भाई बहन और क्या लोगे? महिला। क्वेश्चन नंबर 12 भाई बहन महिला, कार बस ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें ले लो आप क्वेश्चन नंबर 13, पति पत्नी परिवार, पति पत्नी परिवार। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लो आप क्वेश्चन नंबर 14, वर्षा वर्षा झील पानी, वर्षा झील पानी। आगे लीजिए आप स्कूल कक्षा अध्यापक अध्यापक, तो 5 हो गए आपके, तो इन्हीं को करिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ये सभी ऑल वाला, सेकंड ऑप्शन है आपका सभी सम वाला, और थर्ड ऑप्शन है आपका नो वाला, और फोर्थ ऑप्शन है आपका एक ऑल और एक नो वाला। तो करिए पांचों को, एक ऑल वाला और एक नो वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को साफ दिख रहा होगा, और कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता दीजिए कि भाई इधर से समझ नहीं आ रहा है हमारे। करिए सभी को भाई बहन और महिला सभी क्वेश्चन, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ मैं, जिससे आपकी ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, तभी इतना टाइम लग रहा, नहीं तो मैं इसको आपकी दो वीडियो में कंप्लीट करा देता बैन आर एक को। तो इसलिए मैं अभी एक और वीडियो कराऊंगा आपको, जिससे तीन वीडियो बिल्कुल बढ़िया हो जाए। एक वीडियो आपको कंप्लीट पहले करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सिर्फ ओनली बेस ही समझाया था कि बैन आर एक होता क्या है, उसमें करते क्या है, कि उसमें सम क्या होता है, ऑल क्या होता है, नो क्या होता है। पहली बात तो मेन चीज़ वो आनी चाहिए, सम क्या ऑल क्या होता है। जब वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली वीडियो में समझा दिया था, अब वो अप्लाई कैसे करना है, अब वो मैं आपको इधर बता रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े, यही कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, नो वाला, ये सम वाला, ये ऑल वाला, और ये एक ऑल वाला एक नो वाला। अब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करना है आपको, उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और एक और वीडियो आएगी उसमें और बढ़िया तरीके से कराऊंगा आपका। तो पहले इनको करिए, जितनी भी होगी, जितनी से जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो ये वर्षा झील और पानी वाला, इसको ज़्यादा गौर से करना, जो 14th नंबर लिखा है मैंने। तो चलो मैं आगे करता हूँ, काफ़ी टाइम दे दिया मैंने आपको। तो इसमें पहला है भाई बहन और महिला,
भाई अलग होता है, बहन अलग होती है। हाँ ये हाँ ये है कि ये दोनों एक ही परिवार सदस्य होते हैं, पर इसमें परिवार नहीं दिया, जो पहले आपको मैंने परिवार दिया था, तो इसमें महिला अलग है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जितनी भी बहन है सभी क्या है, महिला है, और भाई हो गया आपका अलग। ये क्या हो गया आपका, भाई हो गया, अंदर वाली कौन है, बहन, और ये हो गई महिला, ये हो गई आपकी महिला। तो देखिए सभी का राइट था पहला क्वेश्चन जो है, पहले बहन पहला फिगर सभी का सही बना हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 12, कार बस ट्रेन, कार बस ट्रेन, हाँ ये सिद्ध है कि ये सभी वाहन हैं, पर ये सभी व्हीकल अलग अलग हैं। कार अलग है, आपकी बस अलग है, ट्रेन अलग है, तो मैं क्या लिखूंगा, कार बस ट्रेन, तीनों में नो का संबंध है, इसमें किसी का संबंध नहीं, नो इसमें भी नो, यानी कि तीनों के अलग अलग है, कोई किसी से संबंध नहीं रखता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका पहले में तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, और इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, करेक्ट बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अब हम, पति पत्नी और परिवार, पति पत्नी और परिवार, तो इसमें क्या कौन सा लगाया आपने मुझे बताइए, पति और पत्नी और परिवार, तो इसमें कौन सा आंसर लगाया आपने, ए या बी या सी या डी, पति पत्नी परिवार। तो चलो इसको हम करते हैं, पति और पत्नी, ये पति हो गया पति, और ये पत्नी, ये दोनों कौन है, परिवार के सदस्य हैं, ये दोनों कौन है, परिवार के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें कोई हमारा ऑप्शन नहीं है। आप खुद भी लिख सकते हो कि भाई इसमें दो कॉमन है और एक ऑल है, क्या है ऑल, क्या है जो सभी के ऊपर उसको कहते हैं ऑल कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जिसके लिए मैंने आपसे बोला था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इन सभी छोटे छोटे क्वेश्चनों को तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 14, तभी ये मैंने जो आपकी ब्लू इंक से लिखा था। तो बताइए वर्षा झील पानी, वर्षा झील पानी, वर्षा झील पानी, वर्षा झील पानी। तो देखिए भाई मेरे कि ये आपकी झील है और ये आपकी वर्षा, ये सभी क्या है आपके, पानी, कि झील में जो भी है वो भी पानी है, और जो वर्षा हो रही है वो भी क्या आपका पानी है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें भी ऑप्शन कोई नहीं है, कि जो भी झील है उसमें क्या होगा, पानी होगा, जो वर्षा हो रही है वो भी पानी है, है तो सभी पानी, तो ये बाहर वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पानी, अंदर ये वर्षा, और ये होगी आपकी झील। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, स्कूल कक्षा और अध्यापक, स्कूल कक्षा और अध्यापक, तो इसमें कौन सा लगाया आपने, स्कूल कक्षा और अध्यापक, तो इसमें लगाऊंगा मैं स्कूल में, भाई मैं पहले ये देखूंगा कि स्कूल और कक्षा में किसका संबंध है, ऑल का, कक्षा में और अध्यापक किसका संबंध है, ऑल का, और कक्षा अध्यापक और स्कूल में मतलब ऑल का, सभी का संबंध आपस में ऑल है, तो मैं सब पे ऑल देखूँ, ऑल तो मेरा ऑप्शन ये की है कि यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नहीं ये चलो इसमें सम का कर लो, इसमें किसका है, सम का, कि कक्षा अध्यापक और स्कूल, पर मैं ऑल का भी कर सकता हूँ कि सभी अध्यापक कक्षा में रहते हैं, सभी कक्षक इसमें स्कूल में, ठीक है, क्योंकि ये भी यही ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है ये, या आप ये भी बोल सकते हो कि अंदर ले लो आप अध्यापक, सभी अध्यापक कक्षा में होते हैं, जितने भी होंगे सभी अध्यापक कक्षा में ही होंगे, क्योंकि अध्यापक वही होता है जो कक्षा में पढ़ाता है, ठीक है। जैसे हमारा कोई भी टीचर है, कक्षा क्या होता है, स्टूडेंट भी तो बाहर होते हैं, पर स्टूडेंट जो आपकी क्लास है वो सभी स्टूडेंट से मिलकर बनती है, तो अध्यापक और ये आपकी कक्षा और सभी कक्षाओं से मिलकर बन गया आपका स्कूल, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इनको, जो भी आपको समझ में नहीं आए वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 14 या 13 जो भी आपका कि ये समझ में नहीं आया है, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप
वो विदाउट हेजिटेशन आप बोल सकते हो। तो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो आपके क्वेश्चन नंबर 15 हो चुके हैं। जितनी भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ इतनी प्रैक्टिस करिए, और अब आप घर भी कोई भी बुक से प्रैक्टिस लगा सकते हो, एशंत की ले सकते हो, अरंत की ले सकते हो, कोई भी जो भी आपके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाए वो आप बुक ले सकते हो, और आप कहीं से भी प्रैक्टिस लगा सकते हो। जब मैं बोल दूँ आपसे कि आपका चैप्टर बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है तो आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस लगा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, आदमी भाई इंजीनियर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे हम। मंगल सूर्य ग्रह, क्वेश्चन नंबर 18 लाएंगे। क्वेश्चन नंबर यूपी बिहार भारत, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका औरत माता बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 औरत माता बच्चे, लड़के विद्यार्थी लड़की। तो क्वेश्चन नंबर मतलब 5 हो चुके हैं आपके, तो 5 ही करिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑल है सभी, ऑप्शन नंबर सी आपका, और ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर लेते हैं हम डी। ये इधर है आपका, करिए। और सभी के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने। देखो मैं अभी तो आपकी लाइव नहीं चल रही क्लास पर, आप बिल्कुल लाइव की तरह महसूस करिए इनको, और जो भी आपका आंसर जैसे मैं आपको बताता हूँ तुरंत, जैसे आपका आंसर कोई भी आ जाता है तो तुरंत कमेंट, वीडियो रोकी आपने और तुरंत कमेंट सेक्शन में अपने आंसर दे दिया। और मैंने आपसे बोला था कि आप हमको सपोर्ट करिए और सिर्फ थोड़ा सा और करिए, कुछ दिनों की बात है, हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे जिससे हम लाइव आ सकें, हम पर लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। अभी भी थोड़ी मेहनत करनी है आपको, और तो जितना प्यार दिया आपने उसके लिए तो बार बार धन्यवाद, मैं आपका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता हूँ। तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत हो रही है कुछ दिनों की, जिसमें आप हमको लाइव का हमारा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, तो फिर आपकी मैथ की भी क्लासेस लाइव चलेंगी, और जिसमें मैं आपकी जो रीजनिंग है वो करा रहा हूँ, इसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी ला के दूंगा इस रीजनिंग का। और आपको बताया ही होगा कि जो आपकी जीके की है, जैसे आपका 10 मिनट का एक सेशन रहेगा, 10 या 15 मिनट का, जिसमें आपका एक पॉलिटी का पूरा चैप्टर, मतलब कोई भी जैसे हम राष्ट्रपति उठा लेते हैं तो पूरा राष्ट्रपति एक ही बार में 10 मिनट में पूरा राष्ट्रपति फुल डिटेल, उपराष्ट्रपति 10 मिनट में फुल डिटेल। तो आप हमारा सपोर्ट करिए जितना भी हो सके, क्योंकि आप ही लोग हो जो हमको सपोर्ट कर सकते हो, और कोई बात हो तो हमको बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। तो चलो इनको करिए क्वेश्चनों को, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। आदमी भाई और इंजीनियर, जरा ध्यान से करिएगा, क्योंकि मैं आपका लेवल धीरे धीरे इतना बढ़ा दूंगा कि आपको पता ही चलेगा कि हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। आदमी भाई और इंजीनियर, मंगल सूर्य और ग्रह,
थोड़ा ध्यान से करिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए। मंगल, सूर्य और ग्रह। चलो हम आगे अपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला आपका आदमी भाई और बहन, आदमी भाई और इंजीनियर, सॉरी इंजीनियर। तो आप बताइए जितने भी भाई हैं सभी हमारे कौन होंगे? आदमी होंगे, सभी क्या होंगे? आदमी होंगे। तो हम लिख सकते हैं ये भाई हो गए, ये सभी आदमी, और ये क्या हो गए आपके? कुछ भाई इंजीनियर हैं और कुछ आदमी भी आपके इंजीनियर। इसमें आएगी आपका सम। तो इसमें तो ये किसका बॉन्ड बना रही है? ऑल का बना रहे हैं। और ये किसका बना रहे हैं आपके? दोनों सम का बना रहे हैं। इससे भी क्या बना रहा है? ये सम का बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। उसमें ऑल का बना रहा है, इसमें दोनों में सम का बॉन्ड बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, मंगल, शुक्र और ग्रह। मंगल, शुक्र और ग्रह। तो मैं लिख सकता हूँ कि मंगल, शुक्र और ग्रह। मंगल क्या है आपका? ग्रह। और शुक्र और सूर्य क्या है आपका? बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो 17 क्वेश्चन नंबर आप दोबारा चेक करिए कि आपने क्या किया था, और फिर मेरा मिलाइए। सभी पहले अपना आंसर चेक करें 17 नंबर क्वेश्चन का, फिर मेरा देखें। तो इसमें मंगल, शुक्र और ग्रह तो देख लिया होगा, सभी ने पता चल गया होगा कहाँ आप कमी कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 18, यूपी, बिहार, भारत। ये पहले ही बताया था मैंने कुछ दिन पहले का पहले ही वीडियो में बताया था शायद मैंने ये, कि यूपी, बिहार और भारत, ये आपकी यूपी है और ये क्या आपका? बिहार। ये दोनों किसमें? भारत। ये दोनों किसमें आपके? भारत। तो मैं बोल सकता हूँ जो भी जितनी भी यूपी है सभी भारत में है, जितना भी बिहार है सब क्या इसमें? भारत में। तो दूसरा तरीका है इसमें करने का, इनमें किसका संबंध? इसमें तो नो का संबंध है, इसमें ऑल का संबंध है, और इसमें किसका है? इसमें भी ऑल का। दो संबंध हमारे ऑल के हैं और एक क्या हमारा? एक संबंध नो का है। क्वेश्चन नंबर 19, औरत, माता और बच्चे। करिए आप इसको औरत, माता और बच्चे। तो देखिए जितनी भी औरत होंगी, नहीं जितनी भी माता होंगी, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि जितनी भी औरत है वो सभी माता बने, पर हाँ ये संभव है जितनी भी माता होंगी वो सभी क्या होंगी? औरत होंगी। वो सभी क्या होंगी? औरत होंगी। और बच्चे आ गए आपके अलग। जितनी भी माता होंगी सभी औरत होंगी, ऑप्शन नंबर आपका डी। जितनी भी माता होंगी सभी औरत होंगी, और बच्चे हो जाएंगे आपके बिल्कुल अलग। क्वेश्चन नंबर 20 करिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है आपका? लड़के, विद्यार्थी और लड़की। लड़के, विद्यार्थी और लड़की। तो इसमें देखिए आपने क्या किया है, लड़के, विद्यार्थी और लड़की। लड़के, विद्यार्थी और लड़की। लड़के, विद्यार्थी और लड़की। तो देखिए इसको मैं करता हूँ सॉल्व आगे। लड़के, विद्यार्थी और लड़की। तो इधर देखिए कि ये क्या है आपके? विद्यार्थी। कुछ तो इसमें लड़के हो सकते हैं, कुछ लड़की हो सकती हैं। भाई ये तो लड़के हो गए, ये लड़की। तो आप बताएंगे ये कौन रहे? ये भाई मेरे, ये भी कौन है? ये भी लड़के और लड़की हैं। ये वो लड़के और वो लड़की हैं जो आपके विद्यार्थी नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा हमारा राइट इसमें? ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका आज की वीडियो का मतलब आज का जितना भी सेक्शन रहा आपका, ये मैंने 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए, जिसमें आपका जो मैंने टाइप फर्स्ट बताया था वो टाइप फर्स्ट आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बैन आर एक का टाइप फर्स्ट आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। पर हाँ जो कल वाली वीडियो है आपकी, उसमें मैं टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड भी पूरा बता दूंगा, जिसमें टाइप सेकेंड में मैंने बताया था एक तो मैथ वाला बताया था और एक बताया था जिसमें आपको पहले से ही बैन आर एक बना के दिया होगा। तो उसमें जितने भी जो मैथ वाला सेक्शन है जिसमें रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से संबंधित रिलेटिव जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको सबको मैं बता दूंगा, और जो आपके मैथ से रिलेटेड में उनको सबको मैं छोड़ दूंगा। वो तो आप सब मैथ में पढ़ लोगे, पर जितना भी हमारे सिलेबस रीजनिंग से है उसको हम कंप्लीट ज़रूर कराएंगे। तो फर्स्ट तो आपका कंप्लीट हो चुका है, इसमें मैं आपको कल जो है सेकंड और थर्ड दोनों कंप्लीट करा दूंगा। तो आपकी कल ये बैन आर ए कंप्लीट हो जाएगी, और मैं
पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आप एक ही बार में पढ़ के दोबारा पढ़ने की आपको कोशिश ना पड़े। जो भी टॉपिक मैं आपको कराऊं पूरी शिद्दत से करा रहा हूं। आप मेहनत तो देख रहे होंगे कि आपको कहां किस लेवल तक ले जाया जा रहा है। सिर्फ आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि अभी आपका जो लाइव सेशन है वो आना बाकी है, जिसमें आपकी मैथ की क्लासेस चलेंगी और भी कुछ बहुत ढेर सारा करने की सोच रहे हैं हम। तो आप हमको सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और सिर्फ थोड़ी सी बात है, अभी हमारे सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं उसके लगभग, सिर्फ थोड़ी सी हो रहा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।